Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman and we are maths teacher. Today is 24th May 2021, class 5, unit number 2 karein. Unit ka name hai HCF and LCM. Aur aaj hum apne lecture mein exercise 2B start karne ja rahe hain. Aur exercise 2B apni counter book 5 ka page number kya hai? 35. To humne question number 1 karna hai, fill in the blanks. To first fill in the blanks kya hai? HCF of 7 and 11 is dash. आपने HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन है इन दोनों में और वो सबसे बड़ा होगा। 7 और 11 का HCF निकालने के लिए आपको 7 का पहले प्राइम फैक्टर निकालना होगा, 7 का 7 और फिर 11 का 11 का 11। या सिंपल सी बात है, आप ये समझ लें तो HCF क्या होगा, इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है? जी हाँ, 1 कॉमन आ रहा है, HCF इज 1। ठीक है, अगर हमारे पास 2 नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स यानी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो उनका अगर HCF लेना होगा तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम नंबर्स जो होते हैं जब उनका HCF लेते हैं तो उनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अगर हमारे पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सबके साथ प्राइम हो तो उनका HCF 1 होगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, द LCM इज ऑलवेज डैश देन HCF। आगे चल के हम एलसीएम निकालना भी सीखेंगे, एलसीएम में आज आपको निकालना सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो एचसीएफ और एलसीएम जब आप फाइंड करते हो तो एलसीएम का आंसर हमेशा ग्रेटर होता है एचसीएफ से, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। सी पार्ट, एचसीएफ स्टैंड्स फॉर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और डी पार्ट है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, यहां पे तो टू प्राइम नंबर्स का एचसीएफ था ना, यहाँ पे टू प्राइम नंबर्स का क्या है LCM। LCM क्या होता है, इस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि दो प्राइम नंबर्स का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उनका LCM होगा। अब ये टू नंबर्स 7 और 11, इनका LCM 1 होगा फिक्स, और 7 और 11 का LCM कितना होगा, 7 11 का या 11 7 का 77, LCM 77 आएगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ट्रू फॉल्स बहुत इजी है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, 125 के प्राइम फैक्टर्स, 125 हम ऐसे लिखते हैं, अब इसको 5 से करते हैं, 5 2 सा 10, 11 12, 2 बचा, 2 आगे कैरी जाएगा 25, 5 5 सा 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 सा 25, और फिर 5 से करेंगे 5 1 सा 5, 5 5 एंड 5, 5 5 एंड 5, 125 के प्राइम फैक्टर्स निकल आए। Yes, so it is true. B part, the product of HCF and LCM. HCF और LCM का अगर हम product कर दें of any two numbers, किसी भी दो numbers का HCF और उनका जो LCM होगा, उनके HCF और LCM का answer जो आया उनको multiply कर देना है. Is equal to the product of the numbers, तो उन दो numbers को अगर हम multiply कर लें तो उनके equal होगा answer. तो yes, it is true. तो ये बात आपने याद रखनी है, it is always true. C part, द HCF ऑफ 15 एंड 35, अब 15 और 35 का HCF लेते हैं, 15 का और 35 का, 15 होता है 3 5 सा 15, 5 1 सा 5, और 35 का 5 7 सा 35, 7 सा 7, तो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है ना इनमें, तो इसका मतलब है इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5, लेकिन इसने कहा था इनका HCF तो 35 है, तो इट इज फॉल्स। द HCF ऑफ 17 एंड 19, 17 और 19 का एलसीएम क्या होगा, अब ये देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल, तो 17 मल्टीप्लाई 19 के इक्वल होगा, यस इट इज ट्रू। ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 के बाद वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एमसीक्यूज, बहुत आसान से एमसीक्यूज है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे एलसीएम और एलसीएम के। आई होप आपके पास बुकलेट भी मौजूद है, आप इजीली डन कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 4 में आपने HCF सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बहुत आसान है, तो इन 3 नंबर्स का आपने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, तो बहुत आसान, 64 का पहले हम देंगे 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 1 कट जाएगा 12, 2 6 4 2 8 16, 4 6 2 2 4 2 1 कट, 148 का भी लेंगे 2 7 14 और 2 4 8, अभी फिर 2 से जाएगा 2 3 सा 6 36 7 1 कैरी जाएगा 14 7 सा 14, 37 प्राइम नंबर है तो
37 बचा 37 आप 60 को करेंगे 2 3 जा 6 0 नीचे आ गया 2 1 जा 2 5 10 2 5 जा 10 3 5 जा 15 5 1 जा 5 अब 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स 1 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 37 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है तीनों में एक ये 2 कॉमन है एक ये 2 कॉमन है तीनों में तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 लेट्स सी कितना निकल आया इसका जी हां सिंपल 4 अब हमारे पास पार्ट नंबर सी मैंने आपको करवा दिया 26 का एलसीएम क्या होगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 जा 13 96 का लेंगे 2 4 जा 8 36 9 तो 1 कैरी जाएगा 16 2 8 जा 16 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 1 जा 3 1 6 को करेंगे 2 5 जा 10 2 1 जा 2 51 51 3 के डिमांड में आता है आपने याद रखने 3 1 जा 3 4 5 2 बचा 2 आगे चले जाएगा 21 3 7 जा 21 और 17 बचा 17 तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 क्या आया 2 मल्टीप्लाई 13 और प्राइम फैक्टर ऑफ 96 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 102 क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है इस सवाल में एक तो 2 कॉमन आ रहा है और देखिए कुछ कॉमन आ रहे हैं इनमें 9 और कुछ भी कॉमन नहीं है एचसीएफ क्या होगा सिर्फ 2 होगा ठीक है तो दिस इज द आंसर आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा अब आप इस क्वेश्चन को फोन के जो रिमेनिंग पार्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास बुकलेट भी मौजूद है और आपको समझ भी आ गई है आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।